नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा और मेरे चैनल द फ्लेवर ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। नवरात्रि सीरीज में मेरी तीसरी रेसिपी है चीला। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चीला है और आप इसे व्रत के दिनों में फटाफट बना के खा सकते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए मैंने साबूदाना लिया है, ये बॉयल्ड आलू है, कैरेट है ग्रेट कर लिया है, दही लिया है, जीरा है, सेंधा नमक है और हरी मिर्च है। सबसे पहले हम एक मिक्सी के जार में साबूदाना जो है उसे डालेंगे। ये एक कप साबूदाना है, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके 3-4 पानी से वॉश किया था और इसे 3/4 कप पानी में डाल करके सोक करने रखा था और 2 घंटे के बाद ये फूल के कुछ इस तरह का हो गया है। इसके एक एक दाने देखिए बिल्कुल अलग अलग है। तो बस उसके साबूदाना डालने के बाद मैंने यहाँ पे दही डाला है। दही की जगह पे आप छाछ या मट्ठा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा डाला है और ये 3 हरी मिर्चें हैं, इसे बारीक काट लिया है, ये डाला है। नमक हम बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने एक आलू है बॉयल आलू, उसे छोटे टुकड़ों में काटा है और वो डाला है। अभी ढक्कन लगा के सभी चीज़ों का हमें एक पेस्ट बना लेना है। साबूदाने का चीला है ये, तो खाने में टेस्टी और हेल्दी तो है ही और इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये एकदम झट से बन जाता है और व्रत में मूड स्विंग का काम करता है। तो बस मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसे अब मैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए ये अभी बहुत थिक लग रहा है पर हम इसकी कंसिस्टेंसी बाद में एडजस्ट करेंगे। तो पहले हमें सारा जो मिक्सचर है अपने साबूदाने का उसे बाउल में निकाल लेना है और फिर इसमें हमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालना है और ये एक गाजर है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है वो डाला है। उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को हमें एडजस्ट करना है, मतलब एक चीले की कंसिस्टेंसी के तरह का रखना है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसका बैटर बना रही हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, देखिए आप देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चीले के लिए परफेक्ट होती है। बस उसके बाद मैंने एक पैन को लो फ्लेम पे गरम किया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच जो अपना बैटर है साबूदाने का वो डाल दिया है। हमें फैलाना भी नहीं पड़ेगा, ये खुद ही फैल जाएगा अगर उसकी कंसिस्टेंसी उस तरह की रखते हैं हम जैसा मैंने दिखाया था, तो ये खुद ही फैल जाएगा। बस उसके बाद हमें उसे कवर कर देना है और कवर करके पका देना है। एक तरफ से जैसे ही ये अच्छे से पक जाएगा ये बहुत ही इजीली पलटा जाता है। तो बस अब दूसरे तरफ से भी हमें सेक लेना है और ये हमारा स्वादिष्ट चीला तैयार हो गया। बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम मेहनत में झटपट तैयार होने वाला बहुत ही आसान और टेस्टी व्रत स्पेशल डिश है। आप इसे बच्चों को लंच में भी बना के दे सकती हैं, ये उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। और अगर व्रत के लिए ना बना रहे हो तो उसमें प्याज और भी सब्जियां जो आप अपनी पसंद का है वो ऐड कर लें तो ये चीला खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए मैंने दूसरा भी इसी तरह से बना लिया है, आपको इसी तरह से सारे चीले बना लेने हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल बटन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चीले को आप अपनी किसी भी फेवरेट चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पे फ्रूट रायता के साथ सर्व किया है कि फ्रूट रायता के साथ भी अच्छा लगता है। आप इसे खीरे के रायते के साथ भी खा सकते हैं या फिर मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।